लालू यादव को जब चारा घोटाले में सजा हुई तो लालू यादव पूरा छाती पीट रहे थे, हाय हमको जो सजा दिए है जज साहब वो पीके साहब का समधी है, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो हम अभी कहते हैं हाय लालू जी, आपकी सरकार में जो एडवोकेट जनरल है पीके साहब, वो है पीके साहब है जिससे आपको दिक्कत थी और इसलिए पूरे बहुजन समाज को बिहार में न्याय नहीं मिला। पहले उसको हटाइए, केस किया फॉरवर्ड, उसका वकील फॉरवर्ड, जज साहब फॉरवर्ड, सरकार का वकील फॉरवर्ड, उसका सहायक देखे ना अभी कौन जहां दिखा रहे थे वो भी फॉरवर्ड। आपके पक्ष में फैसला आएगा ओबीसी के पक्ष में, हमारा आपका जो वीडियो बन रहा है सरकारी रिकॉर्ड में है, लेकिन सदन के भीतर विधानसभा के भीतर कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब चल जाता है तो आप तो सब जानिए रहे नीतीश जी चल जाएंगे फिर भाजपा में, सुनिए ना मेरी बात आज ही सुनिए, तो फिर भाजपा के साथ चल जाएंगे तो आप जाकर पूछिएगा चल गए भाजपा के साथ, तो कहेगा आप तो सब जानबे करते हैं ये कोनो नया बात है, हम पहले भी गए थे एक पलटनिया फिर मार दिए। जब नीतीश कुमार राजद के साथ गए 2015 फिर अलग हुए 17 तो लालू यादव फिर छाती पीटने लगे, नीतीश तो हमारा घोड़े पर गिर गया था हम क्या करते, ठोकर खा के आदमी संभल जाता है, लालू जी कई ठोकर खाए नीतीश जी से नहीं संभले तो हमको क्या करते। जातीय जनगणना नीतीश कुमार नहीं कराना चाहते हैं, सुमंगली खली होना बाकी था जैसे ये, अरे सुमंगली बुझते हैं जी शादी में बताइए। क्या लगता है जिस प्रकार से जातीय जनगणना एससी ने उसको रोक लगा, इतना काय खंबल मारे बोलिए नीतीश कुमार रोक लगवाए, अरे नीतीश कुमार आनंद मोहन वाला मैटर जो था इतना हाईलाइट हो गया था नेशनल इंटर, आपका पूरा पिन घुसल है देखिए तो नहीं तो आवाज ये नहीं आएगा, नीतीश कुमार रोक लगवाए हैं, नीतीश कुमार आनंद मोहन वाला जो मैटर इतना हाईलाइट हो रहा था एक दलित आईएएस तो क्या, सुनिए मेरी बात क्या, पहले सुन आपको बोलना है तो आप ही बोले तो हमसे सुनिए, नहीं नहीं बताइए सवाल कर लिया आप जवाब दें, आनंद मोहन वाला मैटर हाईलाइट हो रहा था, जी कृष्णैया दलित समाज से आते थे हैदराबाद तेलंगाना के, पहले आंध्र प्रदेश था अब तेलंगाना है, उनकी हत्या करने वाले आनंद मोहन को हटाने के लिए जैसे रिहा करने के लिए नीतीश कुमार कानून बदल दिए, मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट चल गया, पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, लंदन अमेरिका हर जगह से दलित समाज के लोग विरोध कर रहे थे, नीतीश कुमार का के पास तो वोट है नहीं, उनके जात के अलावा उनको कोई वोट नहीं बिहार में है, उनकी पार्टी में का कोई संगठन नहीं है, नीतीश कुमार का चेहरे एगो चीज़ था जिसके नाम पर वोट मिल जाता था, तो नीतीश कुमार का चेहरा खत्म हो रहा था, हो गया बर्बाद हो गया चौपट हो गया, नीतीश कुमार की पूंजी उनकी छवि थी छवि खत्म, और नन नीतीश कुमार के दलित विरोधी नीतीश कुमार का जो चेहरा था वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि नीतीश कुमार दलित, अरे सुनिए मेरी बात हमको कंप्लीट कर दीजिए भैया, दलित हत नहीं बोलने दीजिएगा आप लोग ओबीसी वाले, सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार की छवि थी खत्म हो गई, तो नीतीश कुमार को लगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब हो रही है, हम तो भीम चौपाल करा रहे थे, तो नीतीश कुमार का जब भीम चौपाल चल रहा था अशोक चौधरी महेश्वर हजारी ये लोग जहां जहां जाए सब दलित काला झंडा दिखा रहा था, पता है आप खबर कहने चलाए, अरे सासाराम में महेश्वर हजारी को काला झंडा दिखाया ना दलित समाज का लोग, अशोक चौधरी तो हर जगह काला झंडा दिखाता है, पासी समाज के लोग उनके जात का लोग जो बीजेपी माइंड सेट का होगा वही ना काला झंडा दिखाएगा, ताड़ी बेचने पे प्रतिबंध लगा नीतीश कुमार, पासी कौन सब भाजपा ही हो गया पासी, ताड़ी बेच रहा था रोजी रोटी चल रहा था उस सब पर मैटर पर नहीं, अभी इसी पर रहिए जातीय जनगणना, जातीय जनगणना रोक लगी नीतीश कुमार की साजिश है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अभी भी हैं भीतर भीतर, और आरजेडी को महागठबंधन को पूरे देश में जो एक कर रहे हैं ना विपक्षी एकता उसको डैमेज करने के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, बिहार में बीजेपी भी तो जातीय जनगणना के पक्ष में है, सर्वदलिया निर्णय हुआ था, हाँ 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 नीतीश कुमार जी इसको मास्टर स्ट्रोक, तो भाजपा इसके पक्ष में तो पूरे देश में करवा दे, अरे करवान दे मोदी जी ऐलान कर दे कि पूरे देश, अरे मेन जो जनगणना होता है 10 साल में वही ना जातीय जनगणना करा दे बीजेपी, कौची बात बोल रहे हैं, जो लोग जश्न मना रहे हैं एक दो पत्रकार लगातार टीवी अखबार चला रहा है कि इससे सरकार का 500 करोड़ रुपया, अरे कुछ पत्रकार तो कूद रहा है जाके नाच रहा है, तो जाके नाचिएगा आप, अरे पत्रकार तन करिएगा जी कि नाचे लगिएगा जाके कजे पर ही, नीतीश कुमार की क्या क्या गलती है बताते हैं, बिना कानून बनाए जातीय जनगणना करवाए जानबूझ के कि मामला फंसे, और जातीय जनगणना नीतीश कुमार का सरकारी वकील कौन है, पीके शाही, पीके शाही कौन जात है, सवर्ण है, सवर्ण है, केस करे वाला कौन जात है, पेटिशनर सवर्ण है, सवर्ण बोलेगा तो हमारा आदमी नहीं समझ पाएगा, फॉरवर्ड कास्ट अपर अंग्रेजी बुझता है जी, उतना गाँव का आदमी क्या बुझता है, अगड़ी जात बुझता है, फॉरवर्ड बुझता है अंग्रेजी में फॉरवर्ड बुझता है, केस किया फॉरवर्ड, उसका वकील फॉरवर्ड, जज साहब फॉरवर्ड, सरकार का वकील फॉरवर्ड, उसका सहायक देखे ना अभी कौन जहां दिखा रहे थे वो भी फॉरवर्ड, आपके पक्ष में फैसला आएगा ओबीसी के पक्ष में, हमारा क्या, हमारा दलित समाज का पहले से गिना रहा, आदिवासी पहले से गिना रहा,
अल्पसंख्यक का पहले से गिना रहा है, ओबीसी तो गिनती मेन था। लालू जी तो ट्वीट किए हैं ना, आरजेडी ट्वीट किया है 79% सवर्ण जज हैं। लालू यादव छाती पीट रहे थे कि हमारे चारा घोटाला में जो सजा दिए हैं वो जज साहब पीके शाही का सम दिए। लालू यादव को जब चारा घोटाले में सजा हुई तो लालू यादव पूरा छाती पीट रहे थे, हाय हमको जो सजा दिए है जज साहब वो पीके साहब का सम दिए है, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो हम अभी कहते हैं हाय लालू जी, आपकी सरकार में जो एडवोकेट जनरल है पीके साहब, वो है पीके साहब है जिससे आपको दिक्कत थी, और इसलिए पूरे बहुजन समाज को बिहार में न्याय नहीं मिला। पहले उसको हटाइए, अरे हटाइएगा जिस आदमी के चलते लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई, राजद वाले कहते हैं निर्दोष हैं, तो जिस पीके साहब के चलते लालू जी के कथनानुसार कि चूंकि पीके साहब संबंधित थे जज साहब, हम नहीं बोल रहे लालू यादव बोले थे, तो हमको न्याय नहीं मिला। तो जब पीके साहब खुदे यहाँ सरकारी वकील है तो बैकवर्ड को कहाँ से न्याय मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्यों रखे हुए हैं बताइए। तो लालू जी से पूछिए, नीतीश जी से पूछिए, नीतीश जी से पूछिएगा तो क्या कहेंगे, आप तो सब जानबे करते हैं, आपसे कोनो बात छुपल है, ये सब कोनो बात हम बोलते हैं जी, आप तो सब देखिए रहे हैं जो हो रहा है, सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, ये सब आप क्या जान रहे हैं ये बताइए ना। हम ये जान रहे हैं कि जखने भाजपा को 20 गो सीट घटेगा नीतीश कुमार कूद के जाएंगे, हाँ एकदम उछल के जाएंगे, बोले मिट्टी मिल जाएंगे भाजपा में, पहले बोले मर जाएंगे, आप तो सब अभी बोले हैं आप तो जाएंगे, सुनिए तो आप तो सब जानबे करते हैं, आपसे कोनो बात छुपल है, वो पहले भी बोले थे और सदन के भीतर बोले थे, अबरी तो बाहर बोले हैं, उस समय सदन के भीतर ना बोले थे जी कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो चल गए ना जी। अरे सदन में कोई आदमी बोलता है तो सरकारी रिकॉर्ड होता है ना हमारा, आपका जो वीडियो बन रहा है सरकारी रिकॉर्ड ना है, लेकिन सदन के भीतर विधानसभा के भीतर कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब चल जाता है तो आप तो सब जानिए रहे हैं नीतीश जी चल जाएंगे फिर भाजपा में, सुनिए ना मेरी बात आदि, सुनिए तो फिर भाजपा के साथ चल जाएंगे, तो आप जाकर पूछिएगा चल गए भाजपा के साथ, तो कहेगा आप तो सब जानबे करते हैं ये कोनो नया बात है, हम पहले भी गए थे एक पलटनिया फिर मार दिए। लेकिन फिर तेजस्वी जी ने गला लगाया है महागठबंधन की सरकार, बता रहे सारे लोग बता रहे हैं कि मजबूती से काम कर रही है, मजबूती से आगे भी जाना है, विपक्षी एकता की बात सुनिए ना, विपक्षी एकता सब देश में सारे पार्टी को नीतीश जी जोड़ रहे हैं, डबल क्रॉस कब होता है, धोखा कब होता है, अरे धोखा तो विश्वास अधिक करेंगे तो धोखा होगा, तो विश्वास करें तभी तो धोखा होगा, विश्वास नहीं तेजस्वी करेंगे तो धोखा कैसे होगा, तेजस्वी यादव बच्चा है नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार नचा रहे हैं, लालू यादव तो खुद लालू यादव बेचारे बीमार हैं, उन्हीं का जो है तो चल रहा है, आराम करे दीजिए उनको, वो विपक्षी एकता के बारे में बता रहा हूँ कि पूरे विपक्षी एकता में लालू यादव जी का महती भूमिका है, उनके इशारे पे उनके डायरेक्शन में नीतीश जी शिष्य की तरह काम कर रहे हैं, तो जाएंगे फिर कैसे, फिर छाती पीट रहे थे, अरे नीतीश तो हमारा गोड़वे पे आके गिर गया सुशासन का, अरे लालू यादव क्या बोले थे अजी कि नीतीश कुमार जब धोखा दिए राजद को डबल क्रॉस किए, तो लालू यादव क्या बोल रहे थे, पॉलिटिकल बयान, सुनिए ना मेरे पॉलिटिकले बयान, तो कुछ ही हो रहा है पॉलिटिक्स हो रहा है तो पॉलिटिकले बयान आएगा, गजब हाल है, अरे सैद्धांतिक ज्ञान कहाँ, सुनिए मेरे बात, जब नीतीश कुमार राजद के साथ गए 2015 फिर अलग हुए 17 तो लालू यादव फिर छाती पीटने लगे, नीतीश तो हमारा घोड़े पर गिर गया था हम क्या करते, तो फिर कहेंगे अबरी पॉलिटिक्स में सर होता है, हाँ। जिसको जहां सुविधा मिलती है लोग जाते हैं, भैया एक बात बोले, एक गर्लफ्रेंड है आप, आपको धोखा दी सर, फिर किसी और, सुने में अरे यहाँ निजी लाइफ की और पॉलिटिकल की बात हो रही, पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ नहीं है, इसको समझिए कि एक पार्टी आपके साथ जाती है, गठबंधन होता है, फिर धोखा दे के बेवफाई करके चल जाती, ज्ञान भी तो प्राप्त होता है तब तो लोग रास्ता चेंज कर लेते हैं, क्या कहा गया है कि ठोकर खा के आदमी संभल जाता है, लालू जी कई ठोकर खाए नीतीश जी से नहीं संभले, तो हमको क्या कहते, नहीं नहीं एक बात समझिए है, जिस प्रकार से 21वीं सदी अम्बेडकरवाद की सदी मानी जा रही है, तो हो सकता है नीतीश जी को ये ज्ञान आ गया जो बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेके जो क्रिस्टल क्लियर था अम्बेडकरवाद, नीतीश को ज्ञान आएगा, नहीं लालू जी को, हम क्या 70 बरस के उम्र पार कर गए अभी ज्ञान आया, ये लोग को आंखें खोला, आंख खोला, आंख बंद कर एक समय आ गया अब आंख खुला, गजब बात, भीम चौपाल लगा रहे हैं, भीम चौपाल में बोलिए दिए हैं कि खदेड़ के भगा रहा है दलित नेताओं को, महेश्वर हजारी को, अशोक चौधरी को, अशोक चौधरी को तो पास ही अपना नेता नहीं मानता है, अभी आरजेडी भी भीम चौपाल हर पंचायत तक लेके जा रही है, आरजेडी विचारधारा को लेके जा रही है, किताबिया कने छी बोला, किताब छपा पत्रिका निकाल रही है आरजेडी, राजद का जो पत्रिका है राजद समाचार उसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा छपवा है, कई गो 22 प्रतिज्ञा मानते हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव और लालू यादव, सुने मेरी बात, एगो सवाल पूछते हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव से सवाल पूछते हैं कि राजद का
गठन हुए 26 साल हो गया, 26 साल पुरानी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। इन 26 सालों में राष्ट्रीय जनता दल बताया कि अपनी पार्टी के किसी दलित कार्यकर्ता नेता को राज्यसभा भेजा, किसी को नहीं, एक आदमी को नहीं। कहे राज्यसभा में नहीं जाएगा दलित राजद से, आप जानते हैं कौन, नाम बताइए। एमएलसी तो बनाया, एमएलसी छोड़िए ना, बनाया एमएलसी नहीं, राज्यसभा उच्च सदन की बात करें। पत्थर तोड़ने वाली महिला, क्या नाम आपको पता है ना, पत्थर तोड़ने वाली दो बार विधायक बन चुकी थी, तब लालू यादव की पार्टी में गई, सोशलिस्ट पार्टी ने उनको विधायक बनाया, वो हवा हवाई नहीं हुआ हुआ करिए आपकी। लालू यादव का रिकमेंडेशन था ना, लालू यादव पैदे नहीं हुए थे राजनीति में तब विधायक बन गई थी। अरे लालू आपको आप मानते हैं कि सोशल जस्टिस की सरकार है बिहार में, बहुजनों की सरकार है, सोशल जस्टिस की सरकार। अब कहां से, पहले पूरा बात सुनिए, जब लालू यादव राजनीति में पैदा नहीं हुए थे तब सोशलिस्ट पार्टी से उचल गई थी, विधायक बन गए। हाँ तो अभी क्या लग रहा है, सोशल जस्टिस की बात कर रही है सरकार, आपके हिसाब से क्या सोशल जस्टिस, बहुजनों के हक में बातचीत हो रही है कि जिस लालू यादव को पीके साइज परेशानी थी उसको वकील बना दिया एडवोकेट जनरल, जातीय जनगणना ढंग से पक्ष नहीं रखा, खत्म हो गया मामला, बीपीएससी का निकला था प्रोफेसर की बहाली, उसमें ढंग से पक्ष नहीं रखा, निकल गया मामला, तो कोई सोशल जस्टिस की पार्टी नहीं है। सोशल जस्टिस की पार्टी होती तो राज्यसभा में एगो तो दलित होता जी, आरजेडी से एगो, नाम बताइए कौन है। आप लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या बीजेपी, नीतीश कुमार सलाहकार है? अरे नीतीश कुमार खुद जातीय जनगणना रुकवाए हैं, ये जो आनंद मोहन का मैटर पूरा इंटरनेशनल हो गया था उसको दबाने के लिए जातीय जनगणना को रोका गया है कि नया मैटर चालू हो गया। तो जातीय जनगणना के जो विपक्ष में लोग थे लगातार प्रचार कर रहे थे कि इससे जातीय भेदभाव बढ़ेगा और वो खुश हो रहे हैं, अगली पुराना सवाल हो गया, इसको हम जवाब दे दिए। एक ही गांव में सबको पता है कि फलनवा जात का ये घर, फलनवा जात का, तो सब तो जानिए रहे गांव हम कि फलनवा फलनवा इतना जात है, फलनवा इतना घर है, फलनवा को। क्योंकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि इससे सिर्फ पॉलिटिकल लाभ होगा, सोशल चेंजेज नहीं होगी, सोशल भी आपका क्या टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था वो भी तो देखिए, जब तक जाति को नहीं गिनेंगे तो उनका विकास कैसे होगा, आरक्षण का कैसे बढ़ाया जाएगा, आपको आप हमको बताइए, आरक्षण का 10% आरक्षण बिना गिनती समझ में नहीं आ रहा, हाईकोर्ट जाने भाई उस पर टिप्पणी करेंगे तो हमको जेल उल भेज देगा, काहे भेजवाना चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, आगे क्या लगता है आपको, कोची क्या लगता है जातीय जनगणना पर अगली, जातीय जनगणना नीतीश कुमार नहीं कराना चाहते हैं, सुमंगली खली होना बाकी था, जैसे अरे सुमंगली पूछते हैं जी शादी में बताइए, छीटता है उसी को सुमंगली बोलते हैं, शादी ब्याह हो गया और छीटा सब लोग, कोची छीटता है हथम लेग, वो खाली वो है बाकी था, अच्छा था, अच्छा छीटना भर बाकी था, गिनतियात पूरा हो गया, डेटा रिकॉर्ड आ गया। बात और है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को, हाँ क्या 24 वहन बोले आप बनेगा, अरे वहन आपको बोले आप समझते नहीं बात को, हम बोले एक्ट बना लेते हैं, नीतीश कुमार पावर तो है एक्ट बनाने का, बीजेपी भी साथ में है, पक्ष विपक्ष सब इस मुद्दे पर साथ में है, देखो एक्ट बना के अगर गणना करते तो नहीं हाईकोर्ट नहीं रोकता, तो इसीलिए बोलते हैं नीतीश कुमार की मंशा ही नहीं है कि जातीय जनगणना हो, खाली हुआ हुआ कर रहे हैं, उधर देखिए बैटरी डाउन हो रहा है मोबाइल का उनका।